तोड़ दिया और रुद्राक्ष के माला कितने भी घुमा लेना, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होने वाला नहीं है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, और अगर तूने भगवान का नाम ले लिया, भला कर दिया, तो लोग प्रसन्न होंगे पर भोलेनाथ भी प्रसन्न होने में देर नहीं करेगा। और शिव महापुराण की कथा में आया, अगर आपको जमे तो भोजन बनाओ ना, उस समय भी ओम नमः शिवाय बोलो। किसी से बात भी करना हो तो ओम नमः शिवाय। एक पद्धति बदल देना आज से, अगर हमारी बात सुन रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब फोन आता है तो अपन हेलो बोलते हैं ना। कभी कभी बूढ़ी माँ पांचवी पास भी नहीं है, पर उनको जब फोन आता है ना तो वो भी वहां पे बोलती हेलो। हमारे दादाजी ने भी स्कूल का मुंह नहीं देखा पर मोबाइल हाथ में दिया तो उन्होंने भी कहा, फोन आया, हाँ बोले हेलो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हाय हेलो करना बंद कर दो, और जब भी कोई फोन आए ना तो बोलना चाहिए हाँ महादेव। अगर आपने फोन उठाते समय महादेव 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 बोल दिया और 100 बार तुमने बात कर ली या 100 बार महादेव का नाम ले लिया, तो एक माला आपकी पूरी हो जाएगी और महादेव प्रसन्न होने में भी देर कृपा हो जाएगी। ये महादेव की दया रहेगी, ये भोले बाबा की कृपा रहेगी। और अंत में मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि आप भगवान को दीपक लगाओ, आपको कोई मंत्र याद हो या नहीं याद हो, महादेव महादेव जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा शंकर भगवान का एक नाम है, देवों का देव महादेव। किसी देवता के आगे महा नहीं लगा। मेरे इस शंकर के सामने एक शब्द लगा और सब जगह महा महा महा। सुनना, महादेव के आगे देव नहीं महादेव, शिव पुराण नहीं शिव महा पुराण, शिवरात्रि नहीं महा शिवरात्रि, लघु रुद्र नहीं महालघु रुद्र। और एक बात आप लोगों को बता दें कि देवताओं के सामने मांगो, दे या ना दे, देवताओं से मांग करके कोई मांग करो, इस कारण उनका नाम देव रखा है। पर शंकर भगवान से कभी भी मत मांगना, और अगर शंकर भगवान दे, इस कारण इसका नाम महादेव रखने में भी देर नहीं करें। आओ एक बार भोले बाबा को प्रणाम करें। जब भी आप दुखी हो जाओ, घर में जब लड़ाइयां हो जाए, घर में झगड़े हो जाए, अपना पति अपने को ताड़ना देने लगे, अपनी सासू अपने को दुख देने लगे, या हमारे द्वारा हमारी सासू को दुख देने का जब समय आ जाए, तो कुछ मत करना, शंकर जी के मंदिर में जाना, भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करना कि भोलेनाथ हे दया के सागर, हे कृपा के सागर, और बार बार महादेव से कहना और कहना, भेष है तेरा मंगलकारी, समसन वासी हमारा, ए भोला सब दुख काटो मारा। भोलेनाथ भगवान के सामने, शंकर जी के सामने बैठ करके कहो, भोलेनाथ जिस दिन मेरा घर बर्बाद होता है ना, तो लोग घी के दीपक लगाते हैं। अगर अंदाजा लगाओ, तुम्हारा घर जिस दिन बर्बाद होगा ना, लोग ताली बजाएंगे, अच्छा होगा। अरे इसका बेटा बिगड़ गया, इसकी माँ बिगड़ गई, इसके घर में बर्बादी का कारण हो गया। अंदाजा लगाओ, भोलेनाथ भगवान से ये कहना कि अभी तक तो तूने दया बनाई है, अभी तक बना करके रखी है, पर जब तक जीऊं तेरी दया तेरी कृपा मेरे ऊपर बना लेना, और मेरा घर की लाज रखना अब तेरे हाथ में है महादेव। बोलो हारा हारा महादेव महादेव बोलना चाहिए। और सुनो, जो शंकर भगवान का नाम लेता है, जो भोले बाबा का नाम लेता, अब ध्यान से कथा को सुन लेना,
शंकर भगवान उनके आगे आगे चलते हैं। ये सुन लेना कथा को। आप महादेव 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 बोलोगे, आप शंकर 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 बोलोगे, आप भगवान का भोला भोला नाम बोलोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, चाहे जो लगे आपको अच्छा, मैं कोई मंत्र की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे। और तुमने अगर भोलेनाथ भगवान का नाम ले लिया तो शंकर भगवान तुम्हारे साथ में क्या करेगा, तुम पीछे पीछे चलोगे, शंकर भगवान आगे आगे चलेगा, त्रिशूल लेकर के चलेगा, और आपके रास्ते में जो कांटे आएंगे ना, शंकर भगवान उठाएगा, कंकर है उनको उठाएगा, और तुम्हें दुख से बचाकर तुम्हें सुखी बनाने में भी देर नहीं करेगा। ऐसा भोलेनाथ भगवान है, ऐसा मेरा महादेव है। शंकर भगवान की कथा बड़ी अलौकिक है। और एक बात आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बिल्कुल भूखे मरते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, शंकर जी की पूजा करते करते भोलेनाथ भगवान का नाम लेकर के जल नहीं पीते हैं, फलार करते हैं, पर सुन लेना, शंकर भगवान भूखे प्यासे रहने से प्रसन्न नहीं होता है। आप सोचते होंगे कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, पर आज मैं आप लोगों को मैं बता दूं, मन को साफ रखो, शंकर जी से प्रेम करो, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है, कोई फलार खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नीयत साफ होगी तो शंकर भगवान तुम्हारे घर पर आएगा और तुमको आशीर्वाद देने में भी देर नहीं करेगा। ये किसकी कथा? तो आज आपको मैं बता दूं कि व्यास जी महाराज हिमालय पर्वत पर बैठे हुए हैं, शंकर जी का नाम ले रहे हैं, हजारों साल हो गया, पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, फलार नहीं खाया, बस शंकर 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 बोल रहे हैं, 12 साल से ज्यादा हो गया। कहा वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा ता। व्यास जी महाराज शंकर जी को याद कर रहे, महादेव को याद कर रहे, बिल्कुल भूखे हैं, बिल्कुल प्यासे हैं, जल तक नहीं पिया, हजारों साल हो गए। और जो भूखे प्यासे मरते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा आप करते हैं, सोमवार का व्रत आपको करना, मंगलवार का व्रत आपको करना, बुधवार का व्रत आपको करना, गुरुवार का व्रत आपको करना, डॉक्टर ने मना कर दिया मर जाओगे, इसके बाद भी व्रत कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर कहां पर है, भोलेनाथ भगवान कहां पर है? भोलेनाथ भगवान ना तो मंदिर में है, भोलेनाथ भगवान ना पहाड़ पे है, भोलेनाथ भगवान गिरनार पर्वत पर नहीं है, भोलेनाथ भगवान किसी प्रकार की दूसरी नगरी में नहीं है, अपना भोलेनाथ तो कहाँ बैठा है। और अब समझना, आप सबने कह दी यहाँ भोलेनाथ है, यहाँ अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो भोलेनाथ प्यासा मरेगा कि नहीं मरेगा, बिठाया। तुम रोटी नहीं खाओगे तो भोलेनाथ भगवान भी प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा। इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि व्रत नहीं करना चाहिए, पर इतने कठिन कठिन भी व्रत नहीं करना चाहिए कि अपना पति मना करे ना पर जबरदस्ती करे। डॉक्टर ने कह दिया भूखा मत मरो, उसके बाद भी हम लोग भूखे मर रहे। अंदाजा लगाओ, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, शिव महापुराण की कथा सुनो, चाहे रामचरितमानस की कथा सुनो, हनुमान जी महाराज से पूछा कि तुम्हारा राम कहां पर है, हनुमान जी ने कहा कि मेरा राम ना तो अयोध्या में है, ना द्वारिका में है, ना जगन्नाथपुरी में है, ना खाटू श्याम में है, मेरा राम तो मेरे हृदय में बैठा हुआ है। दुनिया वालों ने कहा कि दर्शन करा दोगे क्या, हनुमान जी ने कहा कि मेरे को मालूम थी कि आप जरूर यह प्रश्न करोगे, क्योंकि आज के जमाने में लोग किसके यहां पर जाते हैं, जहां चमत्कार हो वहां पर लोग नमस्कार करते हैं, और जहां चमत्कार नहीं वहां पे कोई नमस्कार। हनुमान जी ने कहा कि तुमने पूछ ही लिया,
मेरे राम कहां पर है। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने अपनी छाती फाड़ी और सभी लोगों को राम के दर्शन कराने में भी देर नहीं करी। अब आपने ही कहा कि हमारे शंकर भगवान भी कहां बैठे हुए हैं। चलो आज हम आप लोगों को बोल दें अपनी छाती फाड़ो, शंकर जी के दर्शन कराओ, करा सकते हो? क्योंकि आपको मालूम है कि गुरु जी की बात में आ जाएंगे, चक्कू लेंगे, कटार लेंगे, छाती फाड़ेंगे, और अगर मान लो शंकर भगवान ने दर्शन नहीं दिया तो फोगट में मरने में भी विश्वास होगा तो भगवान दर्शन देगा। और मैंने कल आपको बात कही थी कि मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। अगर मानो तो शिव महापुराण, नहीं मानो तो एक टाइम पास की कथा हो रही। मानो तो सही एक बार मेरे महादेव की बात, मेरे भोलेनाथ भगवान की बात मानो। और उस समय व्यास जी महाराज शंकर जी को याद कर रहे हैं, बिल्कुल आंख में आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं, हजारों हजारों वर्ष हो गए और उस समय उन्होंने जल तक नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया, माला लेकर के भोलेनाथ भगवान का नाम ले रहे हैं, सुनने का प्रयास करना। कहा मरु मन लाग्यो रे भोलेनाथ, सभी लोगों को गाना है, मरु मन लाग्यो रे भोलेनाथ थारी माला में, 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 माला में भोला माला में, माला में भोला माला में, माला चंदन दाना अणी माला में, चंदन दाना अणी माला में, तुलसी रा दाना अणी माला में, तुलसी रा दाना, मरा फीका रे पड़िया रे हीरा रे थारी माला में, मरा फीका रे पड़िया रे हीरा रे थारी माला में, तो दर्शन देगा माला फेरूंगा तो दर्शन देगा, दर्शन देगा तो बेकुंठ जाऊंगा, दर्शन देगा तो बेकुंठ जाऊंगा,
माला फेरूं तो दर्शन देगा, माला फेरूं तो दर्शन देगा, दर्शन देगा तो बेकुंठ जाऊंगा, दर्शन देगा तो बेकुंठ अणि दुनिया में निरू नंदलाल थारी माला में, अणि दुनिया में निरू नंदलाल थारी माला में, मने आंख ना दिखाऊं तन पाप लागे, मने आंख ना दिखाऊं तन पाप लागे, मारो लाग्यो रे गोपाल थारी माला में, मरु मन लाग्यो रे गोपाल थारी माला में, भगवान की। तो देखो कथा को ध्यान से सुनना, व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर हिमालय के पास में बैठकर शंकर भगवान का नाम ले रहे, महादेव का नाम ले रहे हैं, शंकर भगवान के प्रति प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। 1000 साल हो गया, न तो पानी पिया न भोजन खाया, शंकर भगवान को चिंता हुई, शंकर भगवान ने उसी समय नंदी को बुलाया और नंदी से कहा कि जाओ व्यास जी के पास में जाकर कहना कि सुनो, शंकर भूखे प्यासे मरने से प्रसन्न नहीं होता है। नंदी भगवान आए और व्यास जी महाराज से कहा कि प्रभु आप इतने दिन घोर आराधन कर रहे हो, घोर भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का सुमिरन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो व्यास जी ने कहा कि नंदी मुझे मुक्ति पाना है। क्या पाना है? मुक्ति। आज के जमाने में मुक्ति का अर्थ क्या है? लोगों की नजर में यही है कि मेरा बेटा मेरे को शमशान में जाके छोड़ दे, मेरे को आग लगा दे, मेरी अड्डी लेकर के गंगा जी में छोड़ दे, इसके बाद में मेरी मुक्ति होने में भी देर। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुक्ति का क्या अर्थ है, तो आज मैं आपको बता दूं कि मुक्ति का अर्थ यह है कि फिर से मनुष्य नहीं बनना, फिर से अपनी माँ के गर्भ में नहीं आना, फिर पिता के द्वारा जन्म नहीं पाना, सदैव शंकर के भक्त बन जाओ तो मुक्ति होने में भी देर नहीं लगेगी। नहीं तो मुक्ति मुक्ति के चक्कर में अपनी नुक्ति बटने में भी देर, कोई बांटे या नहीं बांटे पर नुक्ति तो जरूर बटेगी। इसलिए मुक्ति अगर चाहते हो तो शंकर भगवान का नाम लो, मुक्ति चाहते हो तो महादेव का नाम लो, मुक्ति चाहते हो तो शंकर के प्रति प्रेम का प्रतिपादित कर दो। और आज आप लोगों को मैं बता दूं कि उसी समय व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं शंकर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मुझे मुक्ति चाहिए। नंदी ने क्या कहा ध्यान से सुन लेना, अपने कान के ढक्कन को खोलकर। नंदी ने कहा कि जो शंकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो ना, भूखे मरने से शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते,
प्यासे रहने से शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर आपको शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो कुछ मत करो, एक लोटा जल भर करके महादेव के माथे पर चढ़ा देना तो शंकर प्रसन्न होने में भी देर नहीं करता है। एक लोटा जल हर समस्या का, एक भोलेनाथ भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दिया। आज उसी समय व्यास जी महाराज को ज्ञान आया, उन्होंने शंकर भगवान को प्रणाम किया और अंत में सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो जितने छोटे मोटे ऋषि महात्मा थे उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु अभी तक हमने देखा और सुना, समझना इस बात को, अब क्या राम जी का मंदिर है ना, और राम जी के मंदिर में राम की मूर्ति है ना, देखी होगी, सीता जी की भी मूर्ति है, राधा जी की भी मूर्ति है, कृष्ण भगवान की भी मूर्ति है, माता जी भी है, माता जी की भी मूर्ति है। पर एक जगह जब थोड़े आगे अगर आप जाओगे तो वहां देखना शंकर भगवान की वहां पे मूर्ति नहीं है, है ना, अपने मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर लिंग है। इस कथा को समझना, सब देवताओं की मूर्ति के रूप में पूजा होती है पर शंकर भगवान की मूर्ति की कभी भी पूजा नहीं होती है। प्रभु शंकर भगवान के लिंग की पूजा होती है और लिंग की पूजन क्यों हुई इसकी कथा सुनाने का प्रयास करो। और एक प्रश्न और भी किया कि प्रभु हमने सुना कि भोलेनाथ के ऊपर कमल का फूल चढ़ता है, हमने सुना महादेव को गुलाब का पुष्प चढ़ता है, हमने सुना कि आंकड़े का फूल चढ़ता है, हमने सुना धतूरे का फूल चढ़ता है, पर हमने ये भी सुना है कि शंकर भगवान को केवड़े का फूल नहीं चढ़ता है, याद है आपको क्यों नहीं चढ़ता? शंकर भगवान को दो पुष्प कभी भी गलती से मत चढ़ाना, दो पुष्प, एक पुष्प का नाम है केवड़ा और दूसरे पुष्प का नाम है चंपा, ये कभी भी शंकर भगवान के ऊपर मत चढ़ाना। और जब इतनी बड़ी बात आई तो सूत जी महाराज से पूछा कि हमने सुना भगवान लिंग की पूजन कहां से हुई, पहले किसने करी, शंकर भगवान को केवड़ा क्यों नहीं चढ़ता है, कृपा करके कथा सुनाना प्रारंभ करें। अब मैं आप लोगों को लिंग पुराण की कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, आओ एक बार शंकर भगवान के लिंग को प्रणाम करेंगे, बोलो हर हर। लिंग कितने हैं अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको मैं बता दूं कि लिंग असंख्य है। पीपल के नीचे भी शिवलिंग है, बाटे बाटे में शिवलिंग है, नर्मदा के हर कंकर शंकर है, आपके घर में भी महादेव है, छोटी छोटी जगह मेरा भोलेनाथ भगवान बैठा हुआ है। ये लिंग पूजन कहां से प्रारंभ हुआ तो कथा को ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ किया और कहा कि विशेष करके तीन लिंग है, कितने लिंग है, तीन, तो सुनना कौन कौन से। कहा आकाशे तारकम लिंगम, एक आकाश में एक लिंग है, उस लिंग का नाम है तारक नाम का लिंग, आओ तारक लिंग को प्रणाम करेंगे। आकाशे तारकम लिंगम, पाताल में एक लिंग है और उस पाताल के लिंग का नाम है पाताले हाटकेश्वरम, आओ हाटकेश्वर भगवान को प्रणाम करें। मृत्यु लोक में भी एक लिंग है, आप लोग गए होंगे वहां लिंग पर, मृत्यु लोक में कौन सा लिंग जो विख्यात हुआ, जो बारह ज्योतिर्लिंग से भी जिसका नाम अलग आता है, उस लिंग का नाम मैं बता रहा हूं, कोई छोटा मोटा लिंग नहीं है, उसका नाम ज्योतिर्लिंग है। और वो ज्योतिर्लिंग कौन सा है तो कहा मृत्युलोके महाकालम, उज्जैन में हमारे महाकालेश्वर भगवान स्वयंभू शिवलिंग है। ग्यारह ज्योतिर्लिंग से बड़ा लिंग और ज्योतिर्लिंग है तो महाकाल जी का है, आओ अपने उज्जैन के महाकाल को प्रणाम करें, बोलो महाकाल राजा की।
उज्जैनियं महाकालं त्रयलिंगं नमोस्तुते। सुनो, ये तीन ज्योतिर्लिंग का जो व्यक्ति नाम लेता है उसके कभी भी काम नहीं रुकते हैं। कभी घर में पीड़ा नहीं होगी, कभी दारिद्रता नहीं आएगी, कभी आपके शत्रु होंगे तो शत्रु का नाश भी होगा, आपके घर में प्रेम बना रहेगा। इस प्रकार ये तीन ज्योतिर्लिंग का नाम सुन लेना, आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। शिवलिंग की कथा आ रही है, आप लोगों को मैं बता दूं, विष्णु भगवान समुद्र सागर में सो रहे हैं और लक्ष्मी माता उनके पैर दबाने में भी देर नहीं कर रही है। अब अंदाजा लगाना, अब कितनी लक्ष्मी ऐसी हो जो अपने पति के पैर दबाती है। लक्ष्मी माता तो अपने पति के पैर दबाती है, अंदाजा लगाओ, लक्ष्मी माता अपने पति के चरण को दबा रही है, विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज के जमाने में पैर एर तो नहीं दबाना, गला वाला कैसे भी करके। लक्ष्मी जी थी जो चरण को दबा रही थी, लक्ष्मी जी थी जो चरणों की सेवा कर रही थी, लक्ष्मी जी थी अपने पति से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और उस समय ये पति और पत्नी दोनों बैठे हुए थे, एक तरफ एक दूसरे को देख रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी ने आने में देर नहीं करी। अब अंदाजा लगाओ, आप पति और पत्नी एक जगह बैठे हुए हो और अगर कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो फिर क्या करेगी पत्नी, उठकर जाने में भी देर नहीं करेगी। लक्ष्मी जी ने देखा कि ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आए उसी समय लक्ष्मी माता ने उठने में भी देर नहीं करी। लाज शर्म नहीं हो वहां पर, कुछ भी नहीं, परंतु अंदाजा लगाओ, लक्ष्मी माता जब उठकर गई और उसी समय ब्रह्मा जी को देखा तो मेरे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करने में भी देर नहीं करी। ये ब्रह्मा की कथा आ रही है, आओ एक बार ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि आओ ब्रह्मा, आप हमारे वैकुंठ में पधारे, आपकी क्या सेवा करें, आओ हम आपकी पूजन करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु तुम्हें मालूम है इस जगत का भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कहा कि जगत का भगवान तो मैं ही हूं। ब्रह्मा ने कहा कि तू गलत बोल रहा है, इस जगत को बनाने वाला मैं हूं, जगत को पालने वाला मैं हूं और जगत का संहार करने वाला भी मैं हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि ज्यादा मत बोलो ब्रह्मा जी, सुनो तुम्हारा जन्म भी दूसरी जगह से नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म मेरी नाभि के अंदर से कमल निकला और कमल के ऊपर तुम्हारा जन्म हुआ है। असली पिता तुम मेरे नहीं हो, असली पिता तो मैं आपका हूं। बोलो ब्रह्मदेव भगवान। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, देखो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तेरा पिता मैं हूं, तेरा पिता मैं हूं। अगर आपने कथा सुनी हो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ तो साधारण आप लोग सब लोग बता देंगे कि विष्णु भगवान के नाभि के अंदर से एक कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुन, तू मेरा पिता नहीं है, तेरा पिता तो मैं हूं। कभी कभी गुरु आ जाता है आदमी को, कभी कभी पैसा आता है, कभी रुपया आता है, तो आदमी को अहंकार आने में भी देर नहीं लगती है। बस इतना अंदाजा लगा लेना कि देने वाला भी राम है और लेने वाला भी रोडपति। शंकर की कृपा हो तो करोड़पति बन जाता है और जब भगवान शंकर की कृपा हटती है तो करोड़पति भी रोडपति बनने में देर नहीं करता। ये खुरपी वाला मुर्की वाला बन जाता है और मुर्की वाला खुरपी वाला बन जाता है। एक दूसरे से दोनों लड़ने लगे, कहने लगे मैं भगवान, मैं भगवान। अंदाजा लगाओ, देखो लड़ाई कहां से प्रारंभ हुई? सबसे पहले बातों की लड़ाई प्रारंभ हुई। हमारे घर में भी लड़ाई कहां से, कोई हाथ नहीं उठता, पहले कहां से शुरुआत होती है? ये जीवन बहुत छोटी है, ये जीवान चाहे तो माला पिरा दे और ये जीवान चाहे तो जूते खिलवाने में भी। अच्छा अंदाजा लगाओ, आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत क्यों हुआ, इसका सीधा एक उदाहरण है
कि महाभारत होने का कारण कोई दूसरा नहीं था, महाभारत होने का कारण था सिर्फ शब्द। याद है ना कथा आपको? ये दुर्योधन एक मैदानों के द्वारा महल बना था जिसमें जल की जगह थल दिखता था, थल की जगह जल दिखता था। दुर्योधन बेचारा चलता गया जल में गिरा, और जैसे ही जल में गिरा अटारी के ऊपर द्रौपदी चढ़कर बैठी हुई थी, उसने एक ही शब्द दिया कि अंधे की औलाद अंधी रहती है। क्या बोलना चाहिए? नहीं, अंधे को अंधा नहीं बोल सकते, लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोल सकते, बेरे को बेरा नहीं बोल सकते। पर द्रौपदी ने विचार नहीं किया, दुर्योधन को कह दिया। और आज आप लोगों को बोल रहे हैं, सुनो, बोलने का काम पड़े ना तो मीठा बोलना चाहिए। कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे ने आपो शीतल। एक वाणी ऐसी जो अपनी आत्मा को ठंडक पहुंचा दे, और एक वाणी ऐसी कि उठने में भी देर नहीं करे। अंदाजा लगा ना, कोई कोई अपने गांव में भी ऐसे निकल करके जाते हैं, हमारे मन में आता है कि उनसे बात करें। और कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं, हमारे मन में आता है जल्दी जल्दी चला जाए। इसी प्रकार संसार का नियम है, ब्रह्मा लड़ने लगे, विष्णु भगवान लड़ने लगे, इतना युद्ध प्रारंभ हो गया। और सबसे पहले बातों का बिगाड़, जब बात से काम नहीं चला तो ब्रह्मा विष्णु ने शस्त्र उठाने में भी देर नहीं करी। अपने घर का भी नियम होगा, जब अंदाजा लगाओ बात से पूरा नहीं हुआ, उसी समय ब्रह्मा विष्णु ने शस्त्र उठाए। और इतना विवाद बढ़ा, बोलो महाकाल राजा। और एक बात हम आपको बता दें, महाभारत जैसा ना तो कभी युद्ध हुआ है और ना कभी आगे होगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो गई थी, हजारों स्त्रियों की मांग पहुंच दी गई थी, हजारों स्त्रियों के चूड़े निकाल दिए गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ था। और आज हम आप लोगों से कह रहे हैं कि कभी भी अगर हार मानना पड़े तो अपने घर में हार मान लेना, पर अपने घर को बर्बाद मत होने देना। जिद जिद के कारण आज घर घर बर्बाद होने में भी देर नहीं लग रही। हार जाओ, दुनिया के सामने हार जाओ। कहा, इतने लड़ने लगे, इतने झगड़ने लगे। ब्रह्मा कहने लगा मैं तेरा पिता, विष्णु कहने लगे मैं तेरा पिता। शास्त्र की लड़ाई नहीं, अब तो दोनों के वाहन भी लड़ने लगे। विष्णु भगवान का वाहन था गरुड़ और ब्रह्मा जी का वाहन था हंस। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, कौन बचाए? सब लोगों ने आज शिव गणों को याद किया, शिव गण महादेव के पास में गए और भोलेनाथ भगवान से कहा, हर हर। शंभो शरण मांगू घड़ी ये घड़ी, ऐसा दे दो शंभु अपनी शरण में रख लो। ब्रह्मा जी भी लड़ रहे हैं, एक सृष्टि की रचना करने वाला। अरे विष्णु कभी लड़ाई नहीं करे, विष्णु भगवान भी लड़ने लगा। अंदाजा लगाओ, जब घर विपरीत होने लग जाए और घर में एक दूसरे से लड़ाई होने लग जाए तो समझ लेना कि कान का भगवान की कृपा हट गई है, यहां पर दूसरे की कृपा प्रारंभ हो गई है। अपने घर को बचाना हो तो शंकर जी के शरण में चले जाओ, महादेव की शरण में चले जाओ। और एक बात कह दो कि अब तो तू जाने और तेरी लीला जाने, तू चाहे तो भाव से पार कर दे और तू चाहे तो डुबाने में भी देर मत कर। सब शंकर भगवान को याद करो। आओ,
ब्रह्मा लड़ रहा है, विष्णु जी लड़ रहे हैं और सब ने मेरे भोलेनाथ भगवान को याद किया, मेरे महादेव को याद किया। आओ हम भी प्रेम के साथ में मेरे भोलेनाथ भगवान को याद कर रहे हैं, मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर भजन मेरे साथ गाएं, बोलो हर हर। डिमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सभी लोग आए महादेव के लिए, हर हर। डिमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डिमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डिमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 बजाना हो। मागोरा संग गणपत जी को लाना होगा, मागोरा संग गणपत जी को लाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कांवड़ियों को पार लगाना तुरा दूत बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे, भांग तुरा दूत भांग तुरा दूत बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भक्तों के कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना।
बोलो महाकाल राजा। सब देवताओं ने भोलेनाथ भगवान को याद किया। महादेव, ये ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कोई किसी से मान नहीं रहे हैं। भोलेनाथ भगवान, युद्ध को रुकवाना पड़ेगा। 101 गण जाकर महादेव के सामने बैठे हैं और कितनी सुंदर बात कही, कहा तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, हाथों में तिरसुले गले सर्पों की माला। और आज इस कथा के माध्यम से भोलेनाथ भगवान को बुलाना और मेरे साथ में गाना है, कहा नांदिये पे चढ़ के तुझे आना, डम डम डमरू बजाना। ये महादेव पधारो, महादेव ब्रह्मा लड़ रहे हैं, विष्णु भगवान लड़ रहे हैं, और उस समय अंदाजा देखना शंकर भगवान ऐसे बैठे हुए जैसे ये यहाँ पे बैठे हुए ना, पानी की बोछार चल रही है। सब देवता महादेव को याद कर रहे हैं, और उसी समय अंदाजा लगाना भोलेनाथ के माथे के ऊपर एक पुष्प चढ़ा हुआ है, और उस पुष्प का क्या नाम है, केवड़ा। शंकर भगवान बिल्व पत्र से प्रसन्न नहीं होते थे, उस समय गुलाब के पुष्प से प्रसन्न नहीं होते थे। शंकर भगवान को सबसे अच्छा पुष्प लगता था और उस पुष्प का नाम था केवड़ा। भगवान की आंख बंद है, केवड़े का फूल शंकर भगवान के माथे पे बैठा हुआ है, और केवड़े के फूल के मन में आया कि अगर मैं शंकर भगवान की जटा पे नहीं बैठूं तो शंकर भगवान भी अच्छे लगने वाले नहीं है। अब अंदाजा लगाना, जिसने जन्म दिया है, जिसने भगवान का नाम लिया है, जिसने भगवान के चरणों का अनुराग किया है, वही व्यक्ति शंकर